आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी वीरांगना की जिन्होंने सबसे पहले इंसानियत को ऊपर रखा और अपनी जान कुर्बान कर दी। उन्होंने इंसानों को बचाते हुए अपनी जान दे दी। इधर से गोलियां चल रही थी, आतंकवादी गोलियां चला रहे थे, डट के सामने खड़ी हो गई और काफी लोगों को बचा लिया। इनको छोड़ के कोई भी नहीं मरा था। एक बहुत ही जबरदस्त पर्सनैलिटी है, लेगेसी इनकी कमाल की है, काफी मूवीज भी इस पे बनी हुई हैं। नीरजा अभी आई थी एक मूवी जिसमें सोनम कपूर थी, काफी अवार्ड्स भी जीती उसने। तो हम बात करेंगे नीरजा भनोत की। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत चेहरा है इनका, और जितना खूबसूरत चेहरा है उतना ही ज्यादा इनका खूबसूरत व्यक्तित्व था। तो हम इनकी बात करेंगे, नीरजा भनोत। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस लेक्चर की PDF और आपको अपडेट्स। और अभी हाल ही में मैंने UPSC की सारी बुकलेट्स जो है वो अपने फेसबुक पेज sid_reconnect और मैं अपनी फेसबुक प्रोफाइल सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से दोनों ही जगह पे अपडेट कर दिए हैं। आप जरूर इसको कंसिडर करिएगा और देखिएगा। साथ ही साथ खजाना लाए हैं हम 22,500 रुपए में UPSC का कॉम्प्रीहेंसिव प्री प्लस मेंस पेन ड्राइव कोर्स सिर्फ और सिर्फ 22,500 रुपए में। StudyIQ की वेबसाइट विजिट करिए या फिर नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ SSC बैंकिंग जो सबसे ज्यादा हॉट सेलिंग कोर्स है हमारे, जरूर इनको अवेल करिए। सारे के सारे एग्जाम्स के लिए हैं, LIC के लिए, SSC CGL सबके लिए, जरूर इनको अवेल करिए और अपनी ड्रीम जॉब निकालिए। इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ सारे कोर्स के लिए हमने पेन ड्राइव कोर्सेस बनाए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर नीरजा भनोत की बात करें, पंजाबी ब्राह्मण फैमिली में इनका जन्म हुआ था। 7 सितंबर 1963 में इनका जन्म हुआ था। सिटी ब्यूटिफुल, जो शायद वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल सिटी इन इंडिया, चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में इनका जन्म हुआ था, नीरजा भनोत का, ठीक है। इनके जो पिताजी थे जर्नलिस्ट थे, भैया हरीश भनोत इनका नाम था, और इनकी माताजी का नाम था रामा भनोत। दोनों ही की लाडली थी ये, बहुत ज्यादा प्यार करते थे। नीरजा भनोत शुरू से ही काफी ज्यादा एक्टिव थी, काफी अच्छी स्टूडेंट थी ये। मॉडलिंग इनका जो था वो काफी मॉडलिंग से प्यार करती थी। इनफैक्ट ये जब ट्रेनिंग पे भी थी पैन एम, जिसके लिए काम करती थी, एयर होस्टेस थी, जहां पे पैरेलली ये मॉडलिंग भी कर रही थी। तो मॉडलिंग से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, मॉडल बनना चाहती थी, फिर हीरोइन बनना चाहती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और इनका नाम जो है वो अमर हो गया, ठीक है। तो 1963 में 7 सितंबर में इनका जन्म हुआ था। आपको पता है इनकी डेथ कब हुई थी? 5 सितंबर 1986। इसीलिए मैं ये वीडियो ला भी रहा हूँ। बेसिकली परसों ये मुझे वीडियो लाना था, आई मीन 7 सितंबर को ये वीडियो लाना था। आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, तो आज जो डेट है वो 9 सितंबर है, तो मुझे परसों वीडियो लाना था, बट अनफॉर्चुनेटली ये मैं 2 दिन बाद ला रहा हूँ। आई एम रियली सॉरी। और अब से मैं ये बिल्कुल ख्याल रखूंगा कि जिनकी भी जो भी बहुत ही बेहतरीन, जिन्होंने भारत के लिए काम किया है, जिनका नाम अमर है, उनकी बर्थ डेट पे तो मैं बिल्कुल उनका वीडियो लेके आऊँ, ठीक है। 7 सितंबर 1963 और 1986 में इनकी डेथ हुई थी। तो अपने बर्थडे से 2 दिन पहले इनकी डेथ हुई थी, 5 सितंबर, ठीक है। दो भाई थे इनके, एक का नाम था अखिल भनोत और एक का नाम था अनीश भनोत। बहुत ही ज्यादा अगेन इनसे प्यार करते थे। इनकी जो अर्ली स्कूलिंग है, शुरू से ही कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी है, सेक्रेट हर्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और उसके बाद फिर सेंट जेवियर्स कॉलेज गई थी, वहां से ग्रेजुएट हुआ। सेंट जेवियर्स की जो स्कूल सीरीज या कॉलेज सीरीज है वो पूरे भारत में वन ऑफ द बेस्ट है, ठीक है। बहुत ही गजब की यहाँ पे पढ़ाई होती है, एडमिशन्स भी बड़े मुश्किल से मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये वैसे मेरा मानना ये है कि अगर आप टैलेंटेड है तो आपको किसी स्कूल की जरूरत नहीं है, बस आप बुक्स पढ़िए, जितना हो सके पढ़ाई कीजिए, ज्ञान अर्जित कीजिए। हाँ, गुरु इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन स्कूल भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक दिशा को निर्धारित करने में सबसे बड़ा काम स्कूल का ही होता है, ठीक है। आधी जिंदगी तो हमारी स्कूल्स और कॉलेजेस में ही बीतती है। उसके बाद क्या था कि जब वो मुंबई में थी, नीरजा भनोत बहुत सुंदर थी, ठीक है, इनका चेहरा बहुत सुंदर था, आपने पिक्स में भी देखा होगा। मुंबई में इनको ये इनकी खूबसूरती की वजह से इनको पहला मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट मिला, और वहीं से ही इन्होंने ये सोचा कि मैं अब इस मॉडलिंग में जाऊंगी, ठीक है। लेकिन इतना आसान नहीं है। 21 साल की जब ये हुई तो इनकी शादी हो गई। 21 साल की उम्र में इनकी शादी कर दी गई। इनके पति से, जिनसे इनकी शादी हुई थी, दोहा में रहते थे, वहां पे मतलब नीरजा भनोत ने अपने पति को ज्वाइन किया। बहुत ज्यादा प्रताड़ित करता था इनका पति, इनको मारता था, इनको पीटता था दहेज के लिए।
तो उससे ये तंग आके वापस, भैया फाइटर थी ये, एक साल में ही ये वापस आ गई और बोला कि मुझे नहीं करनी है, मुझे किसी के साथ नहीं रहना है, ऐसे इंसान पे तो थू है, सीधा सब कुछ छोड़ के वापस आ गया। और सबसे बड़ा इसमें जो हाथ था ना, मतलब सबसे बड़ी जो हिम्मत थी वो इनके पेरेंट्स थे। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, अगर दहेज की बात हुई है तो मैं आपको एक चीज बोल दूं कि एक्चुअली बहुत बड़ी बात बोलने चाह रहा हूं लेकिन मेरे हिसाब से सच है, दहेज लेना नहीं चाहिए बल्कि लड़कों को दहेज देना चाहिए। आप समझ रहे हैं, ये उल्टा होना चाहिए, है ना, लेकिन यहां पे उल्टी प्रथा चल रही है। हम लोग को बेसिकली लड़कियों को देना चाहिए कि वो अपना सब कुछ छोड़ के, अपना घर बार छोड़ के, अपना करियर छोड़ के, सारे सपने छोड़ के आ रही हैं यहां पे, तो हमको उनको देना चाहिए, ठीक है। तो ये पता नहीं कैसी मानसिकता है कि शादी के लिए दहेज, ये बहुत ही ज्यादा गलत है मेरे हिसाब से। और आपको ये बहुत जान के हैरानी होगी, समाज है, ये बातें किसी से छुपी नहीं है, जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस है वो काफी आते हैं। वेल, इसमें बहुत सारे ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें झूठा फंसाया जाता है, कई बार लड़कियां ही गुनहगार होती हैं, औरतें जो हैं वो झूठा फंसा देती हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं। उस पर भी मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ होना चाहिए, क्योंकि कई बार जो हैं आदमी बेकसूर होते हैं, ठीक है, यहाँ तो उल्टा ही मैटर होता है। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं, अक्सर जो हैं पति प्रताड़ित करते हैं, ठीक है, मारते हैं, पीटते हैं और उन पे कुछ नहीं होता है। आपको पता है क्यों? क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं लड़की के, जब ये लड़कियां कंप्लेन करती हैं अपने पेरेंट्स से तो वही बोलते हैं कि नहीं एडजस्ट करो, ऐसी सोसाइटी है, बिल्कुल गलत है। तभी बोलते हैं भैया इतना ज़्यादा ज्ञान ले लो, इतना ज़्यादा पढ़ाई कर लो, किसी को किसी की ज़रूरत ना पड़े, सब खुद में इतने सक्षम हो जाए कि अपना करियर बना लें, ठीक है, क्योंकि सब मजबूर होते हैं इसलिए ऐसी चीज़ आती है, डोमेस्टिक वायलेंस इसीलिए आता है, है ना। तो ये चीज़ बिल्कुल ही गलत है, सोसाइटी के लिए बहुत ही ज़्यादा गलत है। नीरजा भरोत ने इसको बिल्कुल नहीं सहा और वो सीधा छोड़ के अपने पति को वापस यहाँ पे आ गई, ठीक है, मुंबई में आ गई। और उसके इनके पिताजी जो थे वो जर्नलिस्ट थे, ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स में जॉब करते थे। अब यहाँ पे इनकी एक अलग करियर की स्टार्ट हो गई, इन्होंने बोला कि मैं फ्लाइट अटेंडेंट बनूंगी पैन अमेरिका, पैन एम में मैं जॉब करूंगी, वहां पे एयर होस्टेस बनूंगी। 1985 ने इन्होंने ये डिसीजन लिया था और उसके बाद इनको ये जॉब मिल जाती है, फिर ये ट्रेनिंग जाती है अमेरिका, फ्लोरिडा, मियामी, वहां सब ट्रेनिंग होती है। और देखते ही देखते फाइनली वो दिन आ जाता है जब ये मनहूस घड़ी सामने आ जाती है, 1986 का दिन, जो कि बहुत ही ज्यादा खराब था, किसी को नहीं पता था कि क्या होने वाला है। और 5 सितंबर 1986 में जैसे ही ये प्लेन पैन आईएम फ्लाइट 73 जो है कराची, जो कि पाकिस्तान में, यहां पे पहुंचती है, अभी मैं बात करूंगा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो इन्वॉल्व थी इसमें उसकी भी बात करेंगे हम थोड़ा, वो तुरंत ही हाईजैक हो जाती है। मुंबई से अमेरिका जा रही होती है, ये यूनाइटेड स्टेट्स की यात्री होती है, यात्री होते हैं इसमें। और जो टेररिस्ट होते हैं, जो आतंकवादी होते हैं, उनके एम पे, उनके निशाने पे ये अमेरिकी ही होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आतंकवाद अमेरिका की ही देन है। बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, ये 1986 तक का जो एरा है ना, 1945 के बाद इधर मिडिल ईस्ट में, नॉर्थ अफ्रीका में पूरी उथल पुथल हो गई, काफी कंट्रीज ने इंडिपेंडेंस हासिल कर ली, कुछ कंट्रीज में सिविल वॉर हो गए, कुछ में तख्ता पलट हो गए। मैंने मुअम्मर अल गद्दाफी की पूरी बायोग्राफी कवर की है, मैंने सद्दाम हुसैन की पूरी बायोग्राफी कवर की है, मैंने अरब स्प्रिंग कवर किया है, तो मैंने उसमें सब कुछ बताया था कि कितनी बुरी कंडीशन थी। जरूर उन सारे वीडियोज को आप रेफर करिएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह की कंडीशन थी कि जो आतंकवादी थे उनके निशाने पे सीधे अमेरिकी थे। अब क्या था कि टोटल 360 पैसेंजर्स थे, 13 क्रू मेंबर्स थे पायलट को मिला के, ठीक है। वहां पे क्या था, टेररिस्ट चाहते थे कि पैलेस्टीनियन प्रिजनर को ये प्लेन जो है कराची से सीधे साइप्रस ले जाए, ठीक है, कराची से साइप्रस ले जाके वहां पे पैलेस्टीनियन जितने भी कैदी हैं और उनको किसी तरह आजाद कराया जाए। साइप्रस जो है मिडिल ईस्ट का ही एक देश है, ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा। चलिए कमेंट बॉक्स में साइप्रस की कैपिटल बताइए, करेंसी भी बताइए, ठीक है। तो साइप्रस ये ले जाना चाहते थे। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि टेररिस्ट थे कौन। अबू निदाल ऑर्गेनाइजेशन के ये टेररिस्ट थे, ये आजादी थे, ठीक है, ये जो आतंकवादी थे। अबू निदाल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, अबू निदाल ने इसको फॉर्म किया था। अब ये अबू निदाल कौन है, शायद सबसे ज्यादा रूथलेस आतंकवादी 1970 से लेकर 1980 तक एक्टिव था, मोस्ट वांटेड, काफी कंट्रीज को इसने अटैक किया था, बहुत कंट्रीज को मारा था, काफी लोगों को मारा था,
और ये किसका पार्ट था? ये पार्ट था पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, स्प्लिट हो गया था और इसने अपना अलग ग्रुप बना लिया था, अबू निदाल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ये काम किसके लिए कर रहे थे? पैलेस्टीन को लिबरेट करो। देखिए पैलेस्टीन और इसराइल का जो इशू है ये बहुत ही ज्यादा पुराना है। इसराइल पैलेस्टीन पहले अगर आप उसको मैप में देखेंगे वो बहुत ही बड़ा था, लेकिन इसराइल जो कि यहूदी जिन्होंने बेसिकली बसाया है, इसराइली जो हैं वो धीमे धीमे यहाँ पे बसते गए। छोटा सा एरिया था पहले इसराइलीज के पास, पैलेस्टीनियंस को उन्होंने ढकेलना शुरू कर दिया और धीमे धीमे इसराइल जितने भी इसराइलीज हैं उन्होंने पूरे एरियाज को ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो स्टार्ट हो गया था और अभी तक ये विवाद चल रहा है। गाजा पट्टी पे इसराइलियों ने जितनी हिंसा फैलाई है यूनाइटेड नेशंस कुछ भी नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि पीछे अमेरिका का सपोर्ट है। अमेरिका और इसराइल तो हमेशा से ही अमेरिका की हां में हां मिलाता है। वैसे भारत का भैया बहुत ही अच्छा दोस्त है, भारत के काफी अच्छे रिलेशन है इसराइल के, काफी टेक्नोलॉजी में भी समझौता हुआ, ड्रिप इरिगेशन एग्रीकल्चर में भी काफी समझौते हुए। ठीक है, वो एक अलग मुद्दा है, खैर उस पर वैसे स्टडी आई क्योंकि काफी लेक्चर्स अवेलेबल है। ठीक है, तो ये अमेरिका का पूरा सपोर्ट था इसराइलीज को, पैलेस्टीनियन को लिबरेट करो। ठीक है, अब इस ये पीएलओ किसने बनाया था? ठीक है, 1964 से लेकर 1964 से लेकर लगभग ये 2004 तक एक्टिव था। ठीक है, यासिर अराफात चेयरमैन था ये पीएलओ का, इसी से हट के अबू निदाल ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। ठीक है, और अबू निदाल ने बनाया था जो कि बहुत ही ज्यादा ब्रूटल आतंकवादी था। एम क्या था इस ऑर्गेनाइजेशन का? कि पैलेस्टीन को लिबरेट करो, क्योंकि अमेरिका इसराइल क्या करते थे, पकड़ पकड़ के टेररिस्ट लाते थे यहां से। अब बहुत लोग बोलते हैं टेररिस्ट, ये लोग बोलते थे अपना को क्रांतिकारी, हम तो रेवोल्यूशनरी हैं, हम तो पैलेस्टीन के लिए काम कर रहे हैं। इसी चक्कर में इन्होंने इस प्लेन को, पैन एम के प्लेन को पूरी तरह से किडनैप कर दिया, पूरा किडनैप कर लिया, पैन एम के हाईजैक कर लिया पैन एम के प्लेन को, जिसमें नीरजा भनोत थी। ठीक है, आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी, ये कहानी समझ में आई होगी। अब यहां पे नीरजा भनोत को बहुत दिक्कत क्या था कि अमेरिकन्स को सीधा सीधा ये एम कर रहे थे। जैसे ही पता चला पायलट्स को कि इधर से आतंकवादी आ रहे हैं, तुरंत ही कॉकपिट छोड़ के भाग गए। बेसिकली प्लेन जो था टर्मैक में था। टर्मैक क्या होता है? जहां पे प्लेन्स को पार्क किया जाता है, प्लेन्स का पार्किंग एरिया, जो एयरपोर्ट पे पार्किंग एरिया होता है जहां पे एरोप्लेन्स को पार्क किया जाता है, कराची में जहां पे पार्क था उसी को कहते हैं टर्मैक। ठीक है, तो वहां पे टर्मैक पे पार्किंग थी और वहीं से ही आतंकवादियों ने पूरा इसको टेक ओवर कर लिया था। जैसे ही ये पायलट्स ने देखा, डर के मारे भाग गए। आपने नीरजा मूवी देखी होगी, उसमें वैसे तो सब कुछ बहुत ही अच्छे से दिखाया है, सोनम कपूर इसमें हीरोइन, काफी अवार्ड्स भी मिले हैं उसमें, तो सब कुछ अच्छे से दिखाया, वो भी देखिएगा आप, लेक्चर भी सुनिए, जिनके पास इतना टाइम नहीं है वो लेक्चर सुने। ठीक है, तो नीरजा भनोत जो थी उन्होंने देखा और वो भी घबराई, काफी घबराई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। नीरजा भनोत को सिर्फ एक ही चिंता थी कि कैसे इन लोगों को बचाया जाए, स्पेशली अमेरिकन्स। क्या क्या आतंकवादियों ने एक अमेरिकन को लिया, घसीटते हुए लेके गए, गोली मार दी और सीधा जहां टर्मैक पे फेंक दिया, जहां पे प्लेन पार्क होता है। ये देख के सब घबरा गए, वहां पे कराची में पाकिस्तानी पुलिस भी घबरा गई, बोली अब करें तो करें क्या। उसके बाद टेररिस्ट ने नीरजा भनोत से बोला, नीरजा भनोत जो थी वो इस समय बहुत ही चालाकी से काम ले रही थी, बुद्धि लगा रही थी, वो कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेट कर रही थी आतंकवादियों से, वो ये जताने की कोशिश कर रही थी, वो इंस्ट्रक्ट कर रही थी, मतलब एक तरह से मैनिपुलेट कर रही थी उनको। ठीक है, तो टेररिस्ट ने क्या बोला नीरजा भनोत से, ये बोला कि सारे के सारे अमेरिकन पासपोर्ट को इकट्ठा करो ताकि पता चल जाए कितने अमेरिकन यहाँ पे हैं, कितने अमेरिकन सिटीजन हैं। 43 अमेरिकन टोटल सिटीजन थे, पासपोर्ट इकट्ठा करो और देखो कितने अमेरिकन हैं। ठीक है, नीरजा भनोत को पता था कि अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो सबसे पहले 43 लोगों की जो डेड बॉडी है वो बाहर जाएगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। नीरजा भनोत कोशिश कर रही थी, काफी कोशिश कर रही थी, ये जो हाईजैकर्स थे ये भी कोई बहुत ज्यादा एज के तो थे नहीं, काफी कोशिश कर रही थी कि चीजों को सही किया जाए, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही थी, ध्यान भटका रही थी, मिलिट्री सपोर्ट इतने में आने वाला था, कमांडो सपोर्ट इतने में आने वाला था, लेकिन तब तक ध्यान भटकाना बहुत जरूरी था। इधर आतंकवादी भी टेंशन में थे, उनको भी डर लग रहा था कि ज्यादा देर टिकेंगे नहीं, तुरंत ही हमको ये प्लेन जो है सिप्रस, एक बार सिप्रस ले गए काम खत्म, लीबिया की बैकिंग थी,
हम सब कुछ कर लेंगे, वहां पर किसी की अथॉरिटी नहीं चलेगी, लेकिन इससे पहले हमको यहां से निकलना है, कराची से निकलना है, क्या करेंगे। लेकिन नीरजा भनोत बिल्कुल डटी हुई, वो काम में जितना हो सके देरी लगा रही थी, ये बात देख ली उन्होंने। आतंकवादियों को ये बात, ये भनक पड़ गई कि ये जो नीरजा है ये बहुत बड़ा गेम खेल रही है। 17 घंटे बीत गए थे, इधर मिलिट्री को आते देखते ही फायर ओपन कर दी सारे आतंकवादियों ने। नीरजा भनोत के पास कोई चारा नहीं था, नीरजा भनोत ने एक एक करके, अगर वो चाहती तो तुरंत ही वहां से कूद के अपनी जान बचा सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सारे के सारे यात्रियों को सफलतापूर्वक बिल्कुल सुरक्षित उस प्लेन से निकाला, और जब ये एक आतंकवादी ने देखा तो उनको पॉइंट ब्लैंक पे गोली मार दी, उनकी पोनी टेल पकड़ी, घसीटा और पॉइंट ब्लैंक पे उनको गोली मारी। बहुत सारे सर्वाइवर जो हैं, जिन अमेरिकन्स के लिए तो ये हीरोइन है, आपको पता है कि नहीं, इनको हीरो बोला जाता है, इनको सेवियर बोला जाता है, अमेरिकन्स ने तो इन पे बहुत सारे अवार्ड्स बरसाए हैं, भारत पाकिस्तान भी रोया था इनकी डेथ पे, सबने इनको माना है कि वाकई में ये एक एग्जाम्पल है कितनी ज्यादा बहादुरी कोई इंसान दिखा सकता है। ठीक है, सबको बचाया है, एक जो सर्वाइवर है उसने तो ये तक बोला है कि आज जो भी हूं मैं उनकी वजह से हूं। अमेरिका में सर्वाइवर था, एक छोटा सा बच्चा था उस समय, आज वो उस प्लेन का कैप्टन है, वो बोलता है जो भी हूं मैं उनकी वजह से हूं, वो मेरी इंस्पिरेशन रही है इतने सालों से, अगर वो नहीं होती तो आज हम जिंदा नहीं होते। तो ये कुछ एक मतलब इंसान ने इतनी बड़ी चीज कर दी, इंसानियत को सबसे ऊपर रखा, अमर हो गया उनका नाम। ठीक है, 17 घंटे तक ये मुठभेड़, 17 घंटे के बाद मुठभेड़ चलती है और फाइनली जो होती है, नीरजा भनोत जो है वो हर एक पैसेंजर को इमरजेंसी एग्जिट से निकाल देती हैं, टेररिस्ट देखते हैं और उनको पॉइंट ब्लैंक पे 5 सितंबर 1986 को शूट कर देते हैं और फिर वहां पे खेल खत्म। सारे टेररिस्ट को पकड़ लिया जाता है, उनके पास मुकदमा चलाया जाता है, फिर छूटते हैं, फिर मुकदमा, ये सब फिर बात की कहानी है। इंटरनेशनली काफी सारे अवार्ड्स मिले, भारत में इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले, हीरोइन ऑफ द हाईजैक इनको बोला गया, अशोक चक्र मिला, यंगेस्ट रेसिपिएंट बनी है, आपको ये बता दूं, सबसे ज्यादा प्रेस्टीजियस गैलेंट्री अवार्ड है पीस टाइम के दौरान। ठीक है, मल्टीपल अवार्ड्स मिले इनको मरने के बाद, पाकिस्तान में भी इनको तमगे पाकिस्तान मिला, ये भी बहुत बड़ा अवार्ड होता है, पाकिस्तान भी रोया, अमेरिका भी रोया, यूएस में भी इनको काफी अवार्ड्स मिले, काफी जो मतलब काफी कुछ इनके नाम पे भी है, लेगेसी तो इनकी काफी है, अवार्ड्स भी इनको काफी मिले, आप नेट पे सर्च करिएगा। लेकिन यहां पे अवार्ड से ज्यादा एक इंसान की ब्रेवरी आप देखिए, अपनी चिंता नहीं की, इस टाइम पे 99% लोग बस यही सोचेंगे अरे अपनी जान बचा के भागो, वहां पे गोलियां बरस रही हैं। आप खुद सोच के देखिए, आप सोच के देखिए अगर आप होते तो क्या करते हैं, बहुत कम लोग होंगे जो अपनी जान नहीं बचाएंगे, दूसरों की जान बचाएंगे और गोली खा लेंगे। ठीक है, खैर नीरजा भनोत ने तो डेफिनेटली ऐसा नहीं सोचा होगा कि उनको गोली लगेगी, लेकिन उन्होंने ये जरूर सोचा था कि इन सबको मुझे सुरक्षित बाहर निकालना है। तो ये नीरजा भनोत की स्टोरी थी, मूवी है नीरजा, आप जरूर देखिए, एक सोर्स मेरा वहां से भी है। ठीक है, तो फिर ये मेरे लेक्चर का एंड है और मैं यहीं पे इसको खत्म करना चाहूंगा। और अभी 2 दिन पहले मतलब 5 सितंबर को ही, 7 सितंबर को इनका बर्थडे था और 5 सितंबर को इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, अपना बर्थडे भी नहीं देख पाई थी, खैर कोई बात नहीं, नाम अमर है उनका और हम हर वक्त उनका नाम इज्जत से लेंगे और उनको बिल्कुल हीरोइन ऑफ द हाईजैक बोलेंगे। और एक क्विक रिमाइंडर, हमारे पेन ड्राइव कोर्स सारे एग्जाम्स के लिए अवेलेबल हैं, जल्द ही अवेल कीजिए, स्पेशली एसएससी बैंक, बैंक्स की तो काफी रिक्रूटमेंट्स भी आई है। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मैं बहुत जल्द हाजिर होऊंगा अपने नए लेक्चर के साथ। तेज सिद्धांत तक नहीं उतरी, साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच।